जिला सोलन में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगने वाली आग को तो दमकल विभाग द्वारा तुरंत काबू कर लिया जाता है, लेकिन जो आग दूरदराज के गांव में लगती है वहां नुकसान ज्यादा हो जाता है। इसलिए अब होमगार्ड विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि गाँव में लगने वाली आग को भी तुरंत नियंत्रित किया जा सके और आग से होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए होमगार्ड कमांडेंट डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि जिला में लोगों की जान माल की सुरक्षा करना उनके विभाग का प्रथम लक्ष्य है, जिसके लिए उनके द्वारा निकट भविष्य में विशेष मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम से संबंधित आदेश दमकल विभाग को जारी कर दिए गए हैं। विशेष मुहिम के बारे में जानकारी देते हुए होमगार्ड कमांडेंट डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि आग की घटनाओं का ज्यादातर असर उन गांव में होता है जहां दमकल विभाग के वाहन नहीं पहुंच पाते और विभाग के कर्मचारियों को वहां पैदल पहुंचना पड़ता है। इसलिए अब ऐसे गांव को दमकल विभाग के अधिकारी चयनित करेंगे और वहां स्वयं सेवकों की युवा टीमों को तैयार किया जाएगा और उन्हें आग बुझाने के गुर भी सिखाए जाएंगे, ताकि दमकल कर्मचारियों के पहुँचने से पहले वे आग को नियंत्रित कर उससे होने वाली हानि को कम कर सके। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए दमकल विभाग और होमगार्ड के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, फायर सर्विसेज जो है एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है, एसेंशियल सर्विस में आती है, और होमगार्ड एंड फायर जो है ये रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन, उसमें रेस्क्यू एंड सर्च जो होता है उस ऑपरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारे टोटल डिस्ट्रिक्ट में 6 फायर स्टेशन हैं, उसमें से 4 फायर स्टेशन हैं और 2 फायर चौकियाँ हैं, तो उसमें हमारे सफिशिएंट मैन पावर और व्हीकल्स हैं। लेकिन ये बात आपकी जस्टिफाइड है कि कई जगहें ऐसी हैं, हिली स्टेट है हिमाचल, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे फायर की गाड़ी को पहुँचना मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक प्लान बनाया है कि जहाँ जहाँ पे भी ऐसे गांव हैं जहाँ रोड नहीं हैं, उनको चिन्हित करके जो कंसर्न फायर ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दी गई है कि वहाँ पे एक लोकल वॉलंटियर्स का ग्रुप तैयार करें, ताकि उनको जो बेसिक फायर की ट्रेनिंग है वो दी जा सके, और इस पे जो है विभाग अभी काम कर रहा है।